क्वेश्चन क्या कहता है, कार्पल टनल सिंड्रोम अफेक्ट विच नर्व, विच नर्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्पल टनल सिंड्रोम। जो लोग कंप्यूटर ज्यादा चलाते हैं, माउस का यूज करते हैं, और बार बार रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट की वजह से जॉइंट में फ्लूइड का रिटेंशन होता है, फ्लूइड का रिटेंशन होने की वजह से वहां प्रेजेंट एक नर्व है वो कंप्रेस होता है। जब नर्व कंप्रेस होगा तो डिस्टल बॉडी पार्ट में सेंसेशन लॉस हो जाएगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, उसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। यहां ऑप्शन मैंने पुट किया लेटरल नर्व, मीडियल नर्व, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, कौन सा नर्व जो है कार्पल टनल सिंड्रोम में कंप्रेस होता है। एबीसीडी आपके पास ऑप्शन है और आपको क्विक रिस्पॉन्स पुट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और बिल्कुल सही लिखा है, मीडियल नर्व। मीडियल नर्व जो है यहां पर आप देख सकते हैं, मीडियल नर्व जब भी होता है कॉमनली इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट। देखिए ये जो अंदर का पोर्शन दैट वी कैन से रेडियस, बाहर वाला जो है अल्ना, और इन दोनों के बीच में ट्रेवल करता है, और रिपीटेटिव जब रिस्ट का मूवमेंट होता है तो फ्लूड रिटेंशन होकर के नर्व कंप्रेस होगा, और नर्व कंप्रेस होने की वजह से फर्दर नर्व सप्लाई अल्टर्ड होगी, दैट वी कैन से कार्पल टनल सिंड्रोम। अब यहां एक और क्वेश्चन बनेगा बच्चों, एक क्वेश्चन यही बनेगा कि यदि रेडियल नर्व कंप्रेस हुआ तो क्या हो सकता है, रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व पाल्सी और सैटरडे नाइट पाल्सी। यदि रेडियल का मतलब टूवर्ड्स योर रेडियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पस से, कभी कभी रिस्ट ड्रॉप के नाम से भी क्वेश्चन आता है, रेडियल नर्व पाल्सी के नाम से भी आता है, सैटरडे नाइट पाल्सी के नाम से भी आता है,